हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शिवानी क्रिएशंस। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कैंडल होल्डर कैसे बनाएं। और ये बहुत ही मज़बूत है, स्टर्डी है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से क्रिसमस डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे अपने ड्राइंग रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ DIY ट्रेंडी टी लाइट होल्डर किट बाय लिटिल बर्डी। इसके अंदर आप पाएंगे इस तरह के दो MDF टी लाइट बेसिस, जूट रोप, आइसक्रीम स्टिक, टील कलर चॉक पेंट, मिक्स मीडिया पेस्ट, स्पॉन्ज एंड ब्यूटीफुल स्टेंसिल। सो जल्दी से शुरू करते हैं। और आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं ये बड़ा वाला MDF बेस यूज़ करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं टील ब्लू जो कि हमें किट में मिला है यूज़ कर रही हूँ, और मैं सिर्फ हाफ पोर्शन में इसे कलर करूँगी। नीचे की तरफ आई एम अप्लाइंग डार्कर शेड ऑफ द चॉक पेंट। सो आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैं ब्लू और डार्क ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। लाइट येलो, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पिंक येलो, ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। सो जिस तरह का आपका रूम का डेकोरेशन होगा और जिस तरह की आपकी थीम होगी उस हिसाब से आप कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है, और फ्लैट ब्रश सबसे बढ़िया होते हैं इस तरह की ब्लेंडिंग्स के लिए। तो मैं डार्क ब्लू और लाइट ब्लू को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और यही प्रोसेस हमें चारों ओर से अच्छे से कलर कर लेना है। नीचे की तरफ भी कलर करना ना भूले, उसे भी डार्क ब्लू कलर से पेंट कर दें। और बेस रेडी है। सिमिलरली मैं कलर ऊपर से भी कर रही हूँ, और सेम टील ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। स्मॉल पोर्शंस के लिए मैं राउंड ब्रश प्रेफर करती हूँ। अब इसे अच्छे से सूखने दें। हमारा बेस अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं ये प्यारा सा स्टेंसिल जो कि हमें किट में मिला है यूज़ कर रही हूँ, और जो मिक्स मीडिया पेस्ट हमें मिली है उसको लेते हुए मैं यहाँ पे टेक्सचर बनाऊँगी। अगर आपके पास इस तरह का पैलेट नाइफ नहीं है तो जो किट में हमें आइसक्रीम स्टिक मिली है उसका यूज़ करके भी हम पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पेस्ट को इवनली सारे डिज़ाइंस पे अच्छे से अप्लाई करें, जिससे कि हमें इवन और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन मिले बेस में। और धीरे से स्टेंसिल को रिमूव करें, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से डिज़ाइन प्रिंट हुआ है। इस तरीके से हमें चारों तरफ से सेम डिज़ाइन को प्रिंट करना है। आप चाहे तो आप अलग स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। चूँकि हम क्रिसमस के लिए बना रहे हैं तो आप स्टार्स स्टेंसिल और स्नोफ्लेक्स स्टेंसिल, इस तरीके के स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा ब्यूटीफुल सा पैटर्न रेडी हो चुका है चारों ओर से, और पूरी तरह से सूख भी चुका है। नाउ आई एम टेकिंग दिस MDF बेस, और इसे भी मैं सेम डार्क ब्लू कलर के चॉक पेंट से कलर कर रही हूँ। ये एक इंट्रिकेट बेस है जो कि यूज़ होता है टी कोस्टर बनाने के लिए। अगर आपके पास इस तरीके का कटआउट मौजूद नहीं है तो आप सिंपल सर्कल MDF भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ सुंदर सा सर्कल डाई कट हो या डाइज हो तो उसके मदद से भी आप बेस बना सकते हैं। सिंस मैं फ्लावर्स बना के ऐड करने वाली हूँ,
तो हमें इस तरह के बेस की रिक्वायरमेंट है। आप सर्कल की जगह स्क्वायर बेस भी ले सकते हैं। सो इसे मैंने अच्छे से कलर कर दिया है, एज को भी कलर करना ना भूले। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। सो बिफोर स्टिकिंग माई टी लाइट विद द बेस, मैं ये जो जूट रोप हमें मिली है किट में, इसे मैं बॉटम की तरफ अच्छे से स्टिक कर लूँगी। तो फेविकॉल मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं इसे 6 to 7 टाइम्स रैप करूँगी अराउंड द टी लाइट। और अब मैं इसे स्टिक करूंगी मेरे बेस पर। बेस रेडी हो चुका है। अब समय है ब्यूटीफुल पोइंसेटिया फ्लावर्स बनाने का। सो यहाँ मैं पोइंसेटिया फ्लावर डाई ले रही हूँ बाय ड्रेस माई क्राफ्ट। मैं 3rd नंबर का डाई यूज़ कर रही हूँ और डबल लेयर 120 GSM सॉफ्ट फ्लोरल ओरिएंटल पेपर दे रही हूँ फॉर द कटिंग। एंड दिस इज़ माय सुपर क्यूट इजी कट्स मशीन बाय ड्रेस माय क्राफ्ट टू कट माय डाइज। और वन गो में ही हमें 2 कटआउट्स मिल जाते हैं इस तरीके से। सिमिलरली मैंने स्मॉल साइज के भी फ्लावर्स को कट कर लिया है और अब मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे कलर करना है और एम्बॉस करना है। सो कलर करने के लिए मैं पॉपी रेड और कोबाल्ट ब्लू अर्काइवल इंक यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इसे रेड कलर से अच्छे से कलर कर लूँगी फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड। और उसके बाद मैं कोबाल्ट ब्लू अर्काइवल इंक लूँगी और सिर्फ सेंटर में इसे अप्लाई करूँगी, जिससे कि फ्लावर को डेप्थ मिलेगी और आपका फ्लावर ज़्यादा सुंदर दिखेगा एम्बोस करने के बाद। सो इस तरीके के रियलिस्टिक लुक देने के लिए आप 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लाइटर शेड एंड डार्कर शेड। सो अब हमारा कलरिंग का काम हो चुका है। मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ फ्लावर्स पर। अब मैं अपना एम्बोजिंग पैड लूँगी और बैक साइड की तरफ से मैं सिर्फ 1 स्ट्रोक में इसे एम्बोज करूँगी यूजिंग स्मॉल साइज ग्रुप गोल्फ टूल। सिमिलरली मैं रिपीट करूँगी इस प्रोसेस को सारे फूलों के लिए। अब मैं रोटेट करूंगी सारे फ्लावर्स को और पिंच करूंगी बॉल टूल की मदद से। नाउ इट्स टाइम टू लेयर दीज फ्लावर्स। सो एक छोटा सा डॉट रखें ग्लू का और स्टिक करें दीज 2 लेयर्स।
फ्लावर सेंटर्स बनाने के लिए मैंने छोटा सा ग्लू डॉट रखा है और मैं ग्रीन कलर के फ्लावर पर्ल्स को स्प्रिंकल कर रही हूँ। एक्सेस पर्ल्स को हटा दें। और ये सुंदर सा पोइंसेटिया फ्लावर रेडी है टू डेकोरेट द टी लाइट। सो मैंने पहले से ही कुछ फ्लावर्स बना के रखे हैं बड़े और छोटे साइज में। सम लीव्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम डाई सेट और फॉर दिस आई हैव यूज ग्रीन अर्काइवल इंक। अब मैं फिर से मेरा टी लाइट ले रही हूँ और इसे डेकोरेट कर रही हूँ बॉटम कॉर्नर में और टॉप राइट कॉर्नर में। सो आप अपनी चॉइस के हिसाब से फ्लावर्स को अरेंज कर सकते हैं। पहले मैं फ्लावर्स को स्टिक करूंगी और उसके बाद मैं लीव्स को टक करूंगी। अब मैं टॉप एज को डेकोरेट कर रही हूँ हाफ कट पर्ल्स की मदद से। ये बहुत ही सुंदर दिखता है जब आप लाइटिंग करते हैं या जब आप अपने ड्राइंग रूम में इसे डेकोरेट करते हैं, तो पर्ल्स एक बहुत सुंदर इफ़ेक्ट देते हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट को। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पर्ल्स का यूज़ जहाँ भी ये सुंदर दिखे। यहाँ पर मैं 5 mm पर्ल्स ले रही हूँ वाइट कलर में और चारों तरफ से हम एज को कवर करना है। और ये सुंदर सा और प्यारा सा कैंडल होल्डर और टी लाइट होल्डर बनकर रेडी हो चुका है और आई एम श्योर आप इसे क्रिसमस में ज़रूर ट्राई करेंगे। ये किट बहुत बहुत इजीली अवेलेबल है इट्सी बिट्सी के स्टोर पर और आप अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो शिवानी 5611 कोड यूज़ कर सकते हैं 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। और यहाँ मैंने टी लाइट को ऐड कर दिया है। So that's it for today. Hope you enjoyed my video. Please subscribe my channel for more interesting videos. And please click on bell icon for the latest updates. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.